कई दसियों साल से इस देश के अंदर एससी एसटी लोगों को कहीं पट्टे नहीं दिए गए, जमीन के पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से 2012 के बीच में आदरणीय बयान कुमारी माता जी ने 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, जो भूमिहीन लोग थे, उनको देने का काम किया था। जब तक सोच विकसित नहीं होगी, जातिवाद से बाहर नहीं निकलेंगे, तब बात नहीं बनने वाली। पूरे देश के अंदर जातिवाद की घटनाएं बढ़ी, अत्याचार की घटनाएं बढ़ी। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक दलित युवक को थाने में और वहाँ पे जेल के अंदर पीट पीट के मार डाला गया, और ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब आपने बात को मान लिया है, एससी एसटी कानून को वापस भी कर दिया, तो उनके ऊपर लगे मुकदमे वापस कर दें। दलितों के मकान तोड़े गए, आदिवासियों के मकान तोड़े गए, मुसलमानों के मकान तोड़े गए, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार पूरे देश की है, जनता की है, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़े समाज का हो। माननीय श्री राम जी, 3 मिनट। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, राष्ट्रपति जी के भाषण में विकसित भारत की बात करी गई, लेकिन विकसित भारत की बात तब तक अधूरी है जब तक संविधान के 4 पॉइंट जो प्रियम्बल में लिखे हैं पूरे नहीं किए जाते हैं। सामाजिक न्याय, जस्टिस में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय आज भी इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को नहीं मिला। मान्यवर, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो बिल पेंडिंग पड़ा है उसे पूरा कराया जाए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया जाए, और साथ ही विकसित भारत की बात इस देश में तब तक नहीं हो सकती जब तक हम शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जितने भी इस देश बाहर की कंट्री हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, उनके पास एजुकेशन के दम पर, साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर आगे बढ़ी हैं, लेकिन आज शिक्षा का बाजारीकरण किया गया। शिक्षा को तमाम सरकारों ने पीछे गरीबों से धकेलने का काम किया। आज शिक्षा गरीबों से बहुत दूर होती नजर आ रही है। इस पर भी मैं सरकार से आग्रह करूंगा, शिक्षा को लेकर के गरीबों की शिक्षा फ्री की जाए। साथ ही जातिवाद एक बड़ा जहर है। जब तक सोच विकसित नहीं होगी, जातिवाद से बाहर नहीं निकलेंगे, तब बात नहीं बनने वाली। पूरे देश के अंदर जातिवाद की घटनाएं बढ़ी, अत्याचार की घटनाएं बढ़ी। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक दलित युवक को थाने में और वहाँ पे जेल के अंदर पीट पीट के मार डाला गया, और ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। मानवर, एक दुर्भाग्य की घटना घटी, हरिद्वार के अंदर एक 13 साल की बच्ची के साथ कई लोगों ने बलात्कार किया। ये घटनाएं दुखद है मानवर, इस पर भी सरकार को रोक लगाना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति देश में नहीं होनी चाहिए। और मानवर, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से इस देश के जो दलित और आदिवासी है, वो सरकारी जमीनों पर मकान बना के रहता है, उनके पास कोई कागज नहीं है, दशकों सदियों से रहते हैं, लेकिन सरकार ने पिछले कई सालों से सरकारी जमीन खाली कराने के नाम पर बुलडोजर से मकान तोड़ दिए, और वो बेचारे बेघर हो गए। दलितों के मकान तोड़े गए, आदिवासियों के मकान तोड़े गए, मुसलमानों के मकान तोड़े गए। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार पूरे देश की है, जनता की है, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़े समाज का हो। मानवर, लास्ट में कहना चाहता हूँ, किसान सम्मान निधि अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने सोचा, किसान सम्मान निधि तो ठीक है, लेकिन कभी आपने सोचा जो कृषि में जो काम करते हैं, कृषि श्रमिक जिसे खेतिहर मजदूर कहते हैं, वो सिर्फ 2-3 महीने की इनकम पर डिपेंड करते हैं। मानवर, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो खेतिहर मजदूर है, कृषि श्रमिक है, उनको भी किसान सम्मान निधि की तरह कृषि श्रमिक निधि देने का सरकार काम करे। और साथ ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एससी एसटी जो हैं, आर्थिक न्याय कैसे मिलेगा? एससी एसटी ओबीसी के लोगों को उनके अपने पैर पे खड़ा करना पड़ेगा। कई दसियों साल से इस देश के अंदर एससी एसटी लोगों को कहीं पट्टे नहीं दिए गए, जमीन के पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से 2012 के बीच में आदरणीय बयान कुमारी माता जी ने 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, जो भूमिहीन लोग थे, उनको देने का काम किया था। मानवर, मैं यही सब बातें आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। साथ ही एक लास्ट पॉइंट मानवर मैं कहना चाहता हूँ, 2018 की घटना, जब एससी एसटी एक्ट को खत्म किया गया, सुरक्षा कवच को खत्म किया गया, तो वहाँ पे आंदोलन हुआ। आंदोलन में लाखों बच्चों के ऊपर मुकदमे किए गए, लेकिन सरकार से मैंने कई बार आग्रह भी किया है कि उन मुकदमों को खत्म कर दे। जब आपने बात को मान लिया है, एससी एसटी कानून को वापस भी कर दिया, तो उनके ऊपर लगे मुकदमे वापस कर दे। ये मेरी सरकार से अनुरोध है आपके माध्यम से। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद माननीय श्री राम जी। जी साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें।
आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।